हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, वीडियो में बात कर रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक के बारे में, बात करेंगे आज के परफॉर्मेंस के बारे में, बात करेंगे आने वाले टाइम पर स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है और अगर आप लोगों ने IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स को बाय करके रखा हुआ है तो क्या करना चाहिए, क्या आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए या फिर लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में क्लियर आउट करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं 57.35 रुपये के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और स्टॉक के अंदर आज 4.8% की तेज़ी जो है वो देखने को मिली है, यानी कि स्टॉक के प्राइस में 2.25 रुपये की बढ़ोतरी केवल आज के दिन देखने को मिली है। स्टॉक ने आज के दिन बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, क्लोजिंग होते होते स्टॉक ने ज़बरदस्त उछाल जो है दिखाई है और यहाँ से लग रहा है कि स्टॉक जो है दोबारा से रिवर्सल लेता हुआ नजर आएगा। अगर पिछले दिनों की बात की जाए, यानी कि पिछले एक हफ्ते एक महीने के ग्राफ के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेट 1.75% का रिटर्न दिया है, ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज रहा है, स्टॉक ने तेज़ी दिखाई उसके बाद वापस से गिरावट और फिर आज के दिन तेज़ी की पोजीशन आप देख सकते हैं। और अगर बात की जाए पिछले एक महीने के रिजल्ट की तो एक महीने में स्टॉक ने 7.62% का जो रिटर्न है वो बना के दिया है और अगर वहीं प्राइस रेशो के हिसाब से देखा जाए तो 3.90 रुपये की तेज़ी जो है स्टॉक ने एक महीने के अंदर अंदर दिखाई है। दोस्तों, अगर एक साल पहले की बात की जाए तो एक साल पहले स्टॉक का प्राइस काफ़ी कम था और अगर आप लोगों ने एक साल पहले पैसा लगाया होता तो डेफिनेटली आपके पैसे यहाँ पर 3 गुना हो चुके होते, 18.90 रुपये प्राइस था और अभी का प्राइस चेक कर सकते हैं। और पिछले एक महीने पहले अगर स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पर आप मार्च के रिजल्ट्स देख सकते हैं, 9 मार्च को स्टॉक ने काफ़ी बड़ा हाई यहाँ पर लगाया था, 67-68 रुपीज़ के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। अगर यहाँ ग्राफ में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा लेवल यहाँ पर टच किया था, स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में चला गया था, RSI का लेवल जो है 80% से भी ज़्यादा हो चुका था जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट जो है वो बिल्कुल देखने को मिलने वाली थी और गिरावट हुई भी। और उसके बाद कोविड जैसी जो पोजीशंस है, कोविड की सिचुएशन की वजह से मार्केट में क्रैश भी आया जिसका सीधा सीधा असर जो है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर के ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अब वापस से स्टॉक में जिस तरह से पोजीशन बनी हुई है, तेज़ी चल रही है, इस हिसाब से लगता है कि स्टॉक जिस लेवल से नीचे आया था उसी लेवल को दोबारा टच करेगा और अपने 52-वीक हाई के लेवल को भी तोड़ता हुआ आगे की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कट मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक में एंट्री लेना चाहते हैं तो लेवल्स का वेट मत कीजिए। कब ये स्टॉक में तेज़ी लग जाए जिस तरह से आज देखने को मिली है, 57.35 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हुई है और हो सकता है अगर कल भी इसी तरह तेज़ी बनी रहती है तो लेवल कुछ और होगा। तो हर एक पॉइंट पर एंट्री लीजिए, हर एक डिप के साथ यहाँ पर आप स्टॉक को होल्ड करके रखिए, क्योंकि देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के जो बिजनेस फार्मूला है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक जो है रिटेल कस्टमर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है और एक बैंकिंग सेक्टर के लिए जो रिटेल कस्टमर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं और ये सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं रिटेल कस्टमर्स के ऊपर ही कर रहा है, जिसकी वजह से बैंक में NPL जैसे इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ब्लैक लिस्टर जैसे इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, फ्रॉड इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जैसे कि लोन के डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं वो प्रॉब्लम इनको काफ़ी कम फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से IDFC फर्स्ट बैंक डे बाई डे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो 55.10 रुपये की थी और आज की जो ओपनिंग हुई थी वो 55.50 रुपये पे हुई थी और आज स्टॉक का जो लो बना था वो भी 55.35 रुपये का देखने को मिला था और हाई आप सभी को पता ही होगा 57.70 रुपये का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद 57.35 रुपये के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है स्टॉक की। फंडामेंटली देखा जाए तो मार्केट कैप जो है वो 34,192 करोड़ की कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलती है, PE रेशो देख सकते हैं 63.39 है, अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देख सकते हैं 4.28 है, PB रेशो यहाँ पर 1.75% की है, इंडस्ट्री का जो PE रेशो है 13.98% का है और बुक वैल्यू स्टॉक की 31.54% की देखने को मिलती है यहाँ पर। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में कंपनी ने 4,553 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जून में जो है रेवेन्यू वो घटा था ड्यू टू लॉकडाउन, सितंबर 2020 में भी जो रेवेन्यू है काफ़ी घटता हुआ नज़र आया, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे कोविड का इफेक्ट ख़त्म हुआ यहाँ पर देखिए दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है,
4836 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और फाइनल क्वार्टर यानी कि मार्च 2021 वाले क्वार्टर में 4834 करोड़ का रेवेन्यू जो है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर ने जनरेट किया। यानी कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस का अगर डाटा देखा जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डाटा देखा जाए, तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी जो है देखने को मिलती है। अगर बात की जाए ईयरली बेसिस की तो आप यहाँ पर रिजल्ट्स देख सकते हैं कि साल दर साल स्टॉक कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रहा है। 2017 में 9597 करोड़ का रेवेन्यू था, 2018 में 10218 करोड़ का, 19 में रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 2020 में 17963 और 2021 में 18222 करोड़ का रेवेन्यू जो है IDFC फर्स्ट बैंक ने जनरेट किया है और बहुत ही तेज़ी से ये स्टॉक जो है आगे की तरह ग्रो होता हुआ जा रहा है। और दोस्तों स्टॉक में जिस तरह की तेज़ी बनी हुई है उसको देखते हुए यही कहा जाता है कि आने वाले टाइम पर ये जो IDFC फर्स्ट बैंक है HDFC बैंक को डायरेक्टली टक्कर देने वाला है और HDFC बैंक का टारगेट, HDFC बैंक का शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं काफ़ी हाई है और उसी रेंज पर ये जो स्टॉक है ये जाने की पावर रखता है और बहुत ही बड़े बड़े बैंक्स को सीधा सीधा डायरेक्टली टक्कर दे रहा है और बिजनेस के मायने में बहुत ही ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 2019 में 1880 करोड़ का लॉस हुआ था बैंक को, 2020 में 2093 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने, आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर वहीं बात की जाए क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट की तो यहां पर क्वार्टरली बेसिस का जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं, मार्च 2020 में बैंक ने 76 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, जून में 100 करोड़ का, सितंबर 2020 में 109 करोड़ का, दिसंबर में 137 करोड़ का और मार्च 2021 में भी बैंक ने 137 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बनाया है। तो शेयर्स में उछाल डेफिनेटली देखने को मिलेगा अगर आप बने रहते हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम इसमें मूवमेंट्स बनी थी दोस्तों उसको देखते हुए लग रहा था कि स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर गिरावट जो हुई थी और गिरावट होने की वजह से जो लोग यहाँ पर चूक गए थे अच्छे प्राइसेस पर शेयर खरीदना, उन लोगों को अच्छा मौका मिला था। और अगर आप लोगों ने उस मौके का फ़ायदा उठाया है तो डेफिनेटली आपका पैसा आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देकर जाएगा अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर के साथ बने रहते हैं। तो टारगेट्स काफ़ी हाई हैं दोस्तों, टारगेट्स के बारे में मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कुछ कहूँगा कि टारगेट्स कितने परसेंटेज आप जा सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि आने वाला ICICI बैंक और HDFC बैंक को टक्कर देने वाला ये बैंक है। तो इसी सोच के साथ शेयर में दबा के पैसा लगाइए और अच्छे खासे रिटर्न कमाइए। ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।